बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने सब्सक्राइबर कैसे चेक करेंगे और कैसे देख सकते हैं कि आपको किस किस ने सब्सक्राइब किए हुए और किस ने आपको अनसब्सक्राइब किया है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्रोम्स गूगल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप सब जानते हैं कि यह हर मोबाइल में अवेलेबल होता है, तो मैं अपना क्रोम्स गूगल ओपन कर रहा हूँ। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। तो नाज़रीन, आपने यहाँ सर्च बार में यूट्यूब डॉट com लिखना है और इसे फिर सर्च कर देना है। जैसे आप इसे सर्च करेंगे, कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ ऊपर तीन डॉट वाली लाइन नज़र आ रही है, इस पर आप क्लिक करके सीधा आपने डेस्कटॉप साइट पे आ जाना है। इसको यहाँ से चेक कर देना है। जैसे आप इसको चेक मार कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपने, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, आपने YouTube स्टूडियो पे क्लिक करना है। ये आप नज़र, आपको नज़र आ रहा होगा ये YouTube स्टूडियो। तो आपने इस YouTube स्टूडियो को क्लिक करना है। जैसे कि मैं अभी इस पर क्लिक कर दूँ, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये मुकम्मल आपके चैनल का डेटा आपके सामने ओपन हो चुका है। तो इधर आपने क्या करना है, इधर नाज़रीन आपने, ये मैं आपको दिखाऊं, तो ये आपने इधर आना है रीसेंट सब्सक्राइबर। जैसे आप रीसेंट सब्सक्राइबर पर क्लिक करेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है सी आल, तो जैसे आप सी आल पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये मुकम्मल सब्सक्राइबर आ जाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने 90 दिन के देखते हैं या 28 दिन के सब्सक्राइबर देखते हैं या 7 दिनों के। तो जितने भी आप अपने सब्सक्राइबर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आपको बाकायदा नाम और उनको कितने लोगों ने उनके चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उनके कितने सब्सक्राइबर हैं, पूरी मुकम्मल डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो आप इजीली ये समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि हमें किसने सब्सक्राइब किया हुआ है और किसने हमें अनसब्सक्राइब किया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप इजीली समझ गए होंगे।